नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी जोन में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरपीएफ के फॉर्म आपको किस जोन से भरने हैं, किस जोन की कट ऑफ सबसे अधिक रहने वाली है और किस जोन की कट ऑफ सबसे कम रहेगी। ठीक है दोस्तों, आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर मिलेगा। इससे पहले आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। तो दोस्तों चलते हैं अब आप आरपीएफ के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसकी तरफ। आप देख सकते हैं इसमें 6 ग्रुप दिए हुए हैं, ग्रुप ए बी सी डी और ई और एफ। ठीक है, इसमें क्षेत्रीय जो रेलवे जोन है उनको अलग अलग रखा गया है। जैसे ए रेलवे जोन में रखा गया है दक्षिणी रेलवे, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे और दक्षिणी मध्यमी रेलवे। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप किस जोन में आते हैं। तो कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस जोन में आते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप उत्तरी भारत में रहते हो तो आप उत्तरी रेलवे में आते हो, तो उत्तरी रेलवे इसमें किस जोन में दिया हुआ है, डी ग्रुप में दिया हुआ है। ठीक है, आप अगर दक्षिणी भारत में रहते हो तो आप दक्षिणी रेलवे में आते हो, दक्षिणी रेलवे में किस जोन में दिया हुआ है, ए ग्रुप में दिया हुआ है। तो आप इस प्रकार से अपना ग्रुप देख सकते हो, आप किस रेलवे जोन में आते हो और किस ग्रुप में आते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि आज का हमारा, इससे पहले आज का हमारा स्टडी क्वेश्चन है, चिल्का झील कहाँ स्थित है। ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा और डी तमिलनाडु। इसका जवाब आप कमेंट करके दे सकते हैं। अब आपको किस जोन से फॉर्म भरना है इस विषय में बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको यहां दिखाई दे रही होंगी, जो ग्रुप है सी उसमें है। इस ग्रुप में कौन कौन से क्षेत्रीय जोन आते हैं, पूर्वी रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे, पूर्वी पश्चिमी रेलवे एवं पूर्वी तटीय रेलवे। ठीक है, सी में यहां कुल वैकेंसी है 1287। ठीक है, मेल के लिए आप इसमें अलग अलग देख सकते हैं, यू आर के 877, ओबीसी के 92, एससी एसटी की अलग अलग दे रखे हैं। अब आपको जो स्टूडेंट अच्छे क्वालिटी के हैं, जिनकी 100% तैयारी है, मेरा तो सिलेक्शन डेफिनेट हो जाएगा, तो उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने जो जोन है उससे ही भरिए फॉर्म। आपका जो ग्रह जोन है उसी से आप फॉर्म भर दीजिए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आपको दूसरे जोन में जाने की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या कट ऑफ रहेगी उस जोन की, अधिक रहेगी उस जोन की कम। अगर कोई स्टूडेंट की 100% तैयारी है तो जो उस जोन में है उसी में फॉर्म भरिए। हाँ, अब बात करते हैं जो मध्यम प्रकार के स्टूडेंट होते हैं या फिर कोई निम्न प्रकार के स्टूडेंट, उनकी वो किस जोन से फॉर्म भरे, तो उनके लिए सी जोन भी अच्छा हो सकता है, इसमें वैकेंसी भी अच्छी हैं 1287। उसके बाद उनके लिए डी जोन, इसमें उत्तरी रेलवे, उत्तरी पूर्वी रेलवे, उत्तरी पश्चिमी रेलवे एवं उत्तरी मध्य रेलवे आते हैं डी ग्रुप के अंदर। इसमें 1046 वैकेंसियाँ, यहाँ से आप फॉर्म लगा सकते हैं, यहाँ से भी अच्छी वैकेंसी हैं। ग्रुप ए, यहाँ से भी अच्छी वैकेंसी हैं, 804 वैकेंसियाँ हैं। इसमें जो रेलवे जोन आते हैं, दक्षिणी रेलवे, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे और दक्षिणी मध्यमी रेलवे। ठीक है, यहाँ से भी आप फॉर्म लगा सकते हैं, अच्छी वैकेंसियाँ हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ से कम वैकेंसियाँ हैं वहाँ से भी आप फॉर्म लगा सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉर्म उन्हीं क्षेत्रों से लगेंगे जहाँ वैकेंसियाँ ज़्यादा हैं। तो आपको ये भी नहीं देखना है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ सी ग्रुप में है तो सी ग्रुप में मैं तो फॉर्म लगा दूँ। आपको सभी आपके क्षेत्र के हिसाब से फॉर्म लगाना है। और आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, ग्रुप सी में लगा सकते हैं, ग्रुप डी में लगा सकते हैं, ग्रुप एम में और ग्रुप एफ में। ठीक है, ये 4 जोन ऐसे हैं, इसमें कोई भी स्टूडेंट फॉर्म लगा सकता है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से आप देख सकते हैं, आपको अफवाहों के चक्कर में आने की जरूरत नहीं कि इस ग्रुप की कट ऑफ अधिक रहने वाली है, इसकी कम रहने वाली है। और दोस्तों पिछली वैकेंसियों से भी आपको तुलना नहीं करनी है, क्योंकि पिछली वैकेंसियों में अलग ही हिसाब होता है कि किस जोन से कितने फॉर्म लगाए गए थे और किस जोन से कितने स्टूडेंट बैठे थे, उस हिसाब से कट ऑफ रही थी। आपकी बार कट ऑफ पिछले जोन के आधार पर नहीं रहेगी, आपकी बार आपको कट ऑफ अलग रहने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप पिछले कट ऑफ से जोनों की तुलना बिल्कुल भी मत कीजिए, आप अपने हिसाब से फॉर्म लगाइए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा ग्रुप सी में लगा दीजिए, आप डी में, ग्रुप एम में और एफ में। ये आपके 4 जोन आपके लिए अच्छे होंगे, क्योंकि यहाँ वैकेंसियाँ भी काफ़ी अच्छी हैं। ठीक है, और महिलाओं के लिए भी ग्रुप सी और ग्रुप डी, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ये जोनों से महिलाएं फॉर्म लगा सकती हैं, इनके लिए अच्छी वैकेंसियाँ। ठीक है, ई और एफ में तो वैकेंसियाँ इतनी नहीं है, लेकिन आप ऊपर के 4 जोनों में कोई भी महिला फॉर्म लगा सकती है। सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं सी ग्रुप में महिलाओं के लिए भी, 1391 वैकेंसियाँ, तो यहाँ से आप फॉर्म लगा सकते हैं। अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपका सवाल का जवाब जरूर देगी। ठीक है दोस्तों, और आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और आरपीएफ के संबंधित पल पल के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।